हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कैसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर ढाबे के जैसे गार्लिक बटर नान। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गार्लिक नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 बड़े कप मैदा। डाल देंगे 1/2 टीस्पून शुगर, डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, डाल दूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन, क्योंकि ये गार्लिक नान है इसमें लहसुन तो होना ही चाहिए। डाल दूंगी 1/2 कप दही और डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच ऑयल। बिना पानी के ही सारे चीजों को पहले हाथों से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी दे के मैं इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो मैदा बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक डो तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये डो कितना सॉफ्ट बना है। और जब मैं इसको आधा घंटा के लिए ढक के रख दूंगी तो फिर ये और भी ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। तो अब मैं इसे आधा घंटा के लिए ढक के रख दूंगी। आधा घंटा हो गया है, अब चलिए इसको खोलते हैं। 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा मसल लेंगे पहले। देखिए ये जो डो बना है कितना सॉफ्ट बना है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बेलन और इस डो में से मैं बना लूंगी लुइया। ये देखिए साइज कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। अब मैं इसको ओवल शेप में बेल लूंगी। अगर आप चाहे तो इसका शेप राउंड भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ढाबे पे या फिर रेस्टोरेंट्स में हम लोग जो खाते हैं वो ओवल शेप का होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे ही बनाने का। डाल दूंगी कलौंजी, थोड़ा सा धनिया पत्ता और कद्दूकस किया हुआ लहसुन, क्योंकि ये गार्लिक नान है तो गार्लिक का क्वांटिटी भी थोड़ा सा होना चाहिए, तो फिर वो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी होगा। अब मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए अच्छे से चिपक गया है। अब इसको मैं पलट दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं पानी। पानी का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा इसमें लगाना है ताकि तवे पे ये अच्छे से चिपक जाए। अब मैंने एक तवे को गैस में चढ़ा दिया है और तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं गर्म तवे के ऊपर ये नान को मैं रख दूंगी। जिस साइड मैंने पानी लगाया था वो साइड नीचे चला जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये फूल रहा है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखा है। अगर आप प्रॉपर नॉनस्टिक का तवा यूज कर रहे हैं तो इसमें ये चिपकेगा नहीं। जब भी आप ये पलटेंगे तब वो जो नान है वो गैस के ऊपर गिर जाएगा, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट सेम ही होगा। ध्यान रखिए कि वो जल ना जाए, और चिमटे से आपके पास अगर चिमटा है तो उससे आप आसानी से सेक सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये जो तवा है इसको मैं पलट दूंगी और फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई में कर दूंगी। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के सेकना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा अभी और सेकना है। ये देखिए, तंदूर पे बनाने से जैसे इसमें मार्क्स आते हैं बिल्कुल वैसे ही आया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे मक्खन। अब इसको तवे से निकाल देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है देखने में, लग रहा है कि पूरा तंदूर में ही ये बना है। अब मैं इसको उल्टा करके भी दिखाती हूँ। देखिए जैसे एकदम दुकान में होता है ये नान, बिल्कुल वैसा ही बना है। और ये साइड का तो आप देख ही सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने में।
तो बाकी के सारे नान भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म गार्लिक बटर नान बनके रेडी है। तो इसे आप कोई भी वेज करी के साथ या फिर नॉन वेज करी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आप जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पे जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।